आज हम लोग देखेंगे सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। प्रीवियस वीडियो में हमने सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर देखा था, जो कि कुछ इस तरह से था। ये था SISO, जिसमें हमने राइट शिफ्ट ऑपरेशन देखा था। अब इसमें क्या था कि इनिशियली क्या थे, ये सारे फ्लिप फ्लॉप 0000 थे, मतलब चारों क्या थे 0000 थे। इसमें हमने इनपुट सीरियली दिया था, क्या दिया था 1111 इनपुट दिया था सीरियली, मतलब 1 बिट एट अ टाइम दी थी। और हमें आउटपुट भी क्या मिला था, मेन आउटपुट यहीं से मिल रहा था हमें, तो आउटपुट भी क्या मिला था सीरियली, मींस 1 बिट एट अ टाइम हमें मिल रही थी। तो इसमें हमने पूरा ऑपरेशन जब हमने देखा तो हमें क्या हुआ मिला था, 1 2 3 4 एग्जैक्टली 4 क्लॉक पल्सेस के बाद में हमें ये Q0, क्योंकि मेन आउटपुट तो हमें Q0 पर ही मिल रहा था, यहीं पे मिल रहा था, तो हमें एग्जैक्टली 4 क्लॉक पल्सेस के बाद में हमें यहां पर क्या मिला, 1 1 मिला, जबकि हमें कितने चाहिए थे, 4 1 चाहिए थे। तो हमें 1 1 किसके बाद मिला, एग्जैक्टली 4 क्लॉक पल्सेस के बाद में मिला, मतलब हमें 3 और 1s चाहिए तो हमें 3 और क्लॉक पल्सेस देनी पड़ेंगी। तो कुल मिला के हमने क्या नोटिस किया कि ये जो सीरियल इन सीरियल आउट ऑपरेशन होता है, ये क्या होता है, वो स्लो होता है, मतलब इसमें क्लॉक पल्सेस की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, क्योंकि हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 बिट एट अ टाइम मिल रहा है। अब ये क्या हम देखेंगे, हम सीरियल इन पैरेलल आउट देखेंगे, जिसमें हमें आउटपुट क्या मिलेगा, पैरेलली मिलेगा, मतलब हम इनपुट तो क्या देंगे, सीरियली देंगे, इनपुट क्या होगा, सीरियली होगा, 1 बिट एट अ टाइम, लेकिन आउटपुट हमें क्या मिलेगा, पैरेलली। तो ये एग्जैक्टली वैसा कि वैसा पहले हमने रजिस्टर बना लिया है, इसमें 4 फ्लिप फ्लॉप है, मतलब ये 4 बिट रजिस्टर है। अब इसमें क्या है, वैसा ही होगा कि इसका आउटपुट इसके इनपुट के तौर पर काम करेगा, इसका आउटपुट इसके इनपुट के तौर पर, इसका आउटपुट इसके इनपुट के तौर पर काम करेगा, लेकिन जो आउटपुट है वो हमें क्या मिलेगा, पैरेलली, मतलब ये जो आउटपुट है इसमें इनपुट के तौर पे भी जाएगा, बट हमें यहां से भी हम आउटपुट देख सकते हैं, मिल सकता है। और ये आउटपुट हमें, मतलब ये Q3 हमें यहां मिल गया, ये Q2 हमें यहां मिल गया, और ये Q1 हमें यहां पे भी मिल गया, और ये Q0 तो यहाँ पे मिल ही रहा है। तो हमें कुल मिला के आउटपुट क्या मिल गया, पैरेलली मिल गया है। इनपुट हम क्या दे रहे हैं, सीरियली दे रहे हैं। अब हमें करना क्या है, इसकी ट्रुथ टेबल, इसकी फंक्शन टेबल देखनी है। तो अब हमारे पास इनपुट्स कितने हैं, क्लॉक पल्स क्या है, नेगेटिव है, तो ये CP मतलब नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है ये। इसका मतलब क्या है कि ये जो फ्लिप फ्लॉप काम करेंगे, ये किस पे करेंगे, क्लॉक पल्स की फॉलिंग एज पर, मतलब इस एज पर काम करेंगे। तो अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग। तो ये तो हो गई हमारी क्लॉक पल्स, यहाँ पे हमने क्लॉक पल्स ले ली। इनपुट्स कितने हैं, D3 D2 D1 D0, तो ये D3 D2 D1 और D0, ये क्या हो गए, इनपुट्स हो गए। आउटपुट्स कितने हैं, वही Q3 Q2 Q1 और Q0, ये क्या है, आउटपुट्स हैं। अब इनिशियली हम क्या मान लेते हैं कि ये सभी क्या है, 0000 है, तो ये सभी क्या है, 0000 हो गए। अब क्या होगा, अब ऑब्वियसली इनके आउटपुट्स भी क्या होंगे, 0000 ही होंगे, ये है इनकी इनिशियल कंडीशन। अब क्या हुआ, हमें क्या आउटपुट, इसमें इनपुट क्या देना है, 1111। अब क्योंकि सीरियल इन है, इसका मतलब हमें इनपुट तो क्या देना है, सीरियली देना है, 1 बिट एट अ टाइम देना है। तो सबसे पहली जो बिट जाएगी हमारी क्या जाएगी, ये 1 जाएगी, किसके अंदर जाएगी, D3 के अंदर, तो D3 की वैल्यू हो गई 1, और बाकी सब तो क्या है, 0000 ही है। अब ये वर्क कब करेंगे, ये हमें आउटपुट में कब मिलेगा, तो जब इसकी फॉलिंग एज आएगी, मतलब हम इनपुट तो कभी भी दे सकते हैं, लेकिन जब इसकी फॉलिंग एज क्लॉक पल्स की आएगी, तब हमें क्या मिलेंगे, आउटपुट्स मिलेंगे, इन सभी फ्लिप फ्लॉप्स के मिलेंगे। अब क्योंकि क्लॉक पल्स हम कॉमन दे रहे हैं, तो सभी के एक साथ ही हमें आउटपुट मिलने वाले हैं। तो अब क्या होगा, डी फ्लिप फ्लॉप हमें पता है कि क्या करता है, कि जो हम डी की वैल्यू देते हैं, वही हमें क्या मिलती है, क्यू की वैल्यू मिलती है। तो डी की वैल्यू, D3 की वैल्यू 1 होने की वजह से हमें Q3 की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। D2 की वैल्यू 0 होने की वजह से Q2 0, D1 की वैल्यू 0 होने की वजह से Q1 भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और D0 की वैल्यू, डिनोट की वैल्यू हमें 0 होने की वजह से ये भी क्या मिलेगा, Q0 भी क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है। ये हो गया। अब हमें पता है कि ये क्या है, एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है, इसका मतलब जितने इस ड्यूरेशन में ये जो है फ्लिप फ्लॉप, ये मतलब इस ड्यूरेशन में ये जो फ्लिप फ्लॉप है, ये वर्क नहीं करेंगे, और ये आउटपुट चेंज होके हमें कब मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बबल लगा हुआ है, मतलब फॉलिंग एज पर ही मिलेगा। तो अब चाहे फिलहाल इनपुट कुछ भी हो, हमें आउटपुट कब चेंज होके मिलेगा, नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे। तो ये तो वो पहली क्लॉक पल्स पे। अब
इस ड्यूरेशन में जब तक क्या हो जाएगा, ये जो है इनपुट्स यहाँ ट्रांसमिट होंगे। अब हमारा अगला इनपुट जो कि क्या है, वन है, वो कहाँ आ गया, डी थ्री में। तो डी थ्री की वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई। फिर क्यू थ्री की वैल्यू क्या आई थी, तो क्यू थ्री की वैल्यू आई थी वन। तो इस दौरान ये वन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, मतलब इस ड्यूरेशन में ये वन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर डी टू में चला जाएगा। तो डी टू की वैल्यू क्या हो गई, अब वन हो गई। Q2 की वैल्यू क्या थी, जीरो थी, इसकी वजह से हमें D1 क्या मिलने वाला है, जीरो ही मिलने वाला है। और Q1 की वैल्यू क्या थी, जीरो थी, तो D0 भी क्या होने वाला है, जीरो ही होने वाला है। मतलब अब शिफ्टिंग प्रोसीजर चल रही। अब क्या हुआ, अब इसके बाद क्या होगा, जब वापस से फॉलिंग एज आएगी, तो वापस से फॉलिंग एज मतलब क्या हो गया, नेक्स्ट क्लॉक पल्स हो गई। तो अब क्या होगा, ये फ्लिप फ्लॉप्स वर्क करेंगे, ये फ्लिप फ्लॉप वर्क्स करेंगे, तो D3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q3 में आ जाएगी। मतलब इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या आ जाएगा, तो D3 की वैल्यू 1 है, तो इसका आउटपुट भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह से D2 की वैल्यू 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। D1 की वैल्यू 0 है, तो Q1 भी 0 हो जाएगा। और D0 की वैल्यू 0 होने की वजह से Q0 भी क्या मिल जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, वापस से अब जब तक फॉलिंग एज अगली नहीं आ जाती, वापस हमें ये फ्लिप फ्लॉप वर्क नहीं करेंगे तब तक, तो तब तक क्या होगा, ये अगला ये वन किसके अंदर चला जाएगा, D3 के अंदर चला जाएगा। तो अब ये वन D3 के अंदर चला गया। फिर इसके बाद में Q3 की जो वैल्यू थी वो कहाँ आ जाएगी, D2 में। तो Q3 की वैल्यू क्या थी, तो Q3 की वैल्यू 1 थी, तो D2 की वैल्यू भी 1 हो गई। Q2 की जो वैल्यू थी वो किसके अंदर आ जाएगी, तो Q2 की वैल्यू 1 किसके अंदर आ जाएगी, D1 के अंदर आ जाएगी। Q1 की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो D0 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसके बाद जब नेक्स्ट फॉलिंग एज आएगी, तो तब क्या होगा, ये फ्लिप फ्लॉप सभी क्या करेंगे, वर्क करेंगे। मतलब थर्ड क्लॉक पल्स पे ये फ्लिप फ्लॉप क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो D3 का आउटपुट यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, जो भी D3 की वैल्यू हो वही इसका आउटपुट आ जाएगा। तो D3 की वैल्यू 1, तो ये भी 1। D2 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे हमें Q2 भी क्या मिला, 1 मिला। D1 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हमें यहाँ पे भी क्या मिला, 1 मिला। D0 की वैल्यू 0 है, तो हमें यहाँ पे भी क्या मिला, 0 मिला। इसके बाद फिर से क्या हुआ, अब वापस से ये इनपुट्स, मतलब ये हमें थर्ड क्लॉक पल्स के बाद ये वाले आउटपुट्स मिल गए। इसके बाद में बची हुई ड्यूरेशन में अब क्या होगा, ये वाला वन डीसी में ट्रांसमिट हुआ, तो ये अब क्या हुआ, यहाँ पे वन आ गया। Q3 की जो भी वैल्यू थी, Q3 की वैल्यू क्या आई थी, हमें वन आउटपुट मिला था, तो वो कहाँ चला जाएगा, डी टू में चला जाएगा। तो ये वन हो गया। Q2 का आउटपुट हमें क्या मिला था, वन आया था, तो अब ये वन किस में चला गया, D1 में चला गया। अब हमें Q1 भी क्या मिला था, वन मिला था, Q1 भी क्या मिला था, वन। तो अब D0 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। अब इसके बाद जब अगली फॉलिंग एज आएगी, तो अब क्या होगा, ये सारे फ्लिप फ्लॉप वर्क करेंगे, और जो भी D की वैल्यू है वो Q की वैल्यू बन जाएगी। तो फोर्थ क्लॉक पल्स पे अब हमें क्या मिल जाएगा, तो फोर्थ क्लॉक पल्स में हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे वन, D3 की वैल्यू वन होने की वजह से ये भी वन, D2 की वैल्यू वन होने की वजह से ये भी वन, D1 की वैल्यू वन होने की वजह से Q1 भी वन, और D0 की वैल्यू वन होने की वजह से हमें Q0 भी क्या मिल गया, वन। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमें ये सारे फ्लिप फ्लॉप्स पे क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, चारों पे ही आउटपुट पैरेलली मिल रहा है। तो हमें ये जो वन 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 हमने जो यहाँ पे ट्रांसमिट करना था, वो हमें आउटपुट में मिल चुका है चार क्लॉक पल्सेस के बाद।